फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनटू, ऑन टू, अपॉन। वैसे इन और ऑन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनटू, ऑन टू एंड अपॉन कि क्या यूज़ हैं इंग्लिश में, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला देखते हैं इनटू, लेकिन इनटू से पहले फ्रेंड्स आपने इन, अगर मेरी वीडियो पहले देखी है तो इन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इन कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे इन यूज करते हैं जब कोई चीज क्लोज्ड, एक क्लोज्ड एरिया, एक घर के अंदर है, किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर है तो वहां पे इन यूज करते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी चीज, लार्ज प्लेस हो रहा है तो वहां पे भी हम लोग इन यूज करते हैं। इनटू की बात जहां पे रही तो इनटू यूज करते हैं हम लोग फ्रेंड्स जहां पे एक मूवमेंट हो रही हो, एक मोशन हो रहा हो तो वहां पे भी हम लोग इनटू यूज करते हैं। एंट्रेंस, एंट्री वगैरह के लिए भी हम लोग इनटू यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ इंडिकेट्स मूवमेंट, एक मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, मूवमेंट समझते हैं, मोशन एक हरकत, ठीक है, एक गति की बात हो रही है। और इंट्रेंस तो समझ ही रहे होंगे, एक चेंजेस, बदलाव की बात होती है, तब भी हम लोग क्या यूज करते हैं इनटू का। जैसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, दे क्लाइम्ड इनटू द लॉरी, लॉरी में, ट्रक में वो लोग चढ़ गए। अब ट्रक में चढ़ गए, यहाँ पे इनटू क्यों यूज करा फ्रेंड्स? वैसे क्लाइम है लेकिन किसी अंदर जाने की बात हो रही है, इनसाइड की बात हो रही है कि लॉरी ट्रक जो है उसकी बात हो रही है तो उसके अंदर, ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ पे क्लाइम यूज करने की वजह से प्रेपोजिशन क्या यूज करा इनटू, क्योंकि क्लाइम चढ़ रहा है तो एक मोशन, एक मूवमेंट पता चल रही है, तो इसलिए एक गति पता चल रही है, तो उसके लिए एक बदलाव पता चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इनटू, इन की जगह पे। अगर यही होता कि वह ट्रक के अंदर है, लॉरी के अंदर है, तो ही इज इन द लॉरी, ही इज इनसाइड द लॉरी, लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट, क्लाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करा इनटू, एक अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी क्लाइम इनटू द लॉरी, वह लॉरी में, ट्रक में चढ़ गए, तो क्लाइम होने से यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज किया गया इनटू। अगर आप इन यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ही पॉड द ट्री इनटू द कप, पॉड मतलब पता ही है आपको, उडेलना, ढालना, ठीक है। ही पॉड द ट्री इनटू द कप, तो इसका मतलब हुआ कि उसने चाय कप में ढाल दिया। अब कप में चाय ढालना भी एक क्या, एक मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इनटू, इन यूज नहीं कर रहे, ठीक है, इन यूज करेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, घर, चोर मेरे घर में घुस गया, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू द हाउस एक एंट्री की बात हो रही है, तो ब्रेक के बाद यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है इनटू यूज किया जा रहा है, राइट। अगर जैसे कोई है कि वह घर में अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग इनटू द हाउस, तो यहाँ पे इनटू यहाँ पे भी यूज करेंगे। वैसे मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि चेंजेस, बदलाव हो रहे हो तब भी हम लोग यूज करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं इनटू। जैसे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट, दिस इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हिंदी से, उर्दू से, जिससे भी, तो यहाँ पर ट्रांसलेट करने की बात हो रही है तब भी हम लोग क्या यूज करते हैं इनटू लगाते हैं। जैसे कहते हैं ना, चेंज इनटू सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, जहां पे चेंजेस, बदलाव की बात आ रही है वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इनटू यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही पुट हिज हैंड्स इन और इनटू हिज पॉकेट्स, ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट के साथ जो है, पी यू टी पुट के साथ में प्रीपोजिशन इन भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ही पुट हिज हैंड्स इनटू द, इनटू हिज पॉकेट्स बोल सकते हैं, इन हिज पॉकेट्स का मतलब हुआ कि उसने अपने हाथ पॉकेट में डाल लिए, उसने अपने हाथ पॉकेट में अंदर डाल लिया, तो वहां पे ही पुट हिज हैंड्स इन द हिज पॉकेट्स भी यूज कर सकते हैं और इनटू हिज पॉकेट्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब पुट के बाद दोनों प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि इन यूज करना चाह रहे हैं, इनटू यूज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन और ऑन टू, वैसे ऑन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑन जब भी यूज करते हैं, जब एक कोई कवर, कोई पोजीशन, एक मतलब एक प्लेस कवर कर रही कोई चीज, जैसे मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, किताब टेबल पर रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो जहां पे कोई चीज एक जगह ले रही हो, घेर रही हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऑन। ऑन टू भी उसी तरीके से है, लेकिन ऑन टू कब यूज करेंगे, जब एक मोशन का पता चल रहा हो, ठीक है, एक मोशन, एक हरकत, एक मूवमेंट की, और सिर्फ मूवमेंट की जब बात होती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऑन टू, यहाँ लिखा फॉर मूवमेंट, ठीक है, या मोशन। अब है ऑन टू की जगह पर आप अपॉन भी यूज कर सकते हैं, आपने देखा होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, ही वाज सिटिंग ऑन हिज केस, वो अपने केस पर बैठा था, तो एक जगह और ये कवर जगह ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्नो फेल ऑन द हिल्स, हिल्स पे, पहाड़ पे स्नो, बर्फ गिरी, बर्फबारी हुई, ठीक है। यहाँ पे पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स, अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें आप, क्लाइम के बाद मैंने प्रीपोजिशन ऑन टू यूज करा और यहाँ पे क्लाइम के बाद प्रीपोजिशन इन टू यूज करा, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, कि आगे का मूवमेंट, आगे का पोजीशन क्या है, यहाँ ट्रक के अंदर, किसी इनसाइड, किसी चीज के अंदर की बात हो रही है, तो क्लाइम के बाद प्रीपोजिशन इनटू यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइम के बाद ऑन टू की यूज कर रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे आगे जो सेंटेंस, आगे जो वर्ड आ रहे हैं वो एक इनसाइड, एक अंदर की बात नहीं हो रही है, कोई एक एरिया बात नहीं हो रही है, इनके सेंस मतलब आज समझ ले कि इनकी जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन की जगह पे यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, ऑन टू, क्योंकि आगे देखें पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स, लोग अपने छत पे चढ़ गए। अब छत पे तो छत को ऊपर चढ़े ना, ऊपर कोई ऐसा एरिया इनसाइड एक अंदर के सेंस में नहीं हो रहा है, ठीक है, खुली जगह है, तो वहां पे हमने उन्हें क्या यूज करा, ऑन टू क्लाइम के बाद, लेकिन यहाँ पे क्लाइम के बाद क्या यूज करा, इनटू यूज करा, तो इस चीज को आपको क्लियर रखना, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन टू, जहां पे ऑन यूज करते हैं वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, ऑन टू। नेक्स्ट है वी लिफ्टेड हिम ऑन टू द टेबल, हमने उसे उठाकर टेबल पे रख दिया, ठीक है, या बैठा दिया, जो भी सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखें लिफ्टेड हिम ऑन टू द टेबल, ऑन टू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिफ्ट किया तो एक मूवमेंट हो रही है, एक मोशन पता चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या यूज करा, ऑन टू, ऑन की जगह पर, वैसे अपॉन भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं द कैट जंप्ड ऑन टू या अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है टेबल पर कूद गई, टेबल पर कूद कर चली गई, तो आप यहाँ पे देखें ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल भी हो सकता है, अपॉन द टेबल भी। वैसे फ्रेंड्स आपने ऑन टू बहुत सुना हो, कॉमनली क्रिकेट कॉमेंट्रीज वगैरह बोलते हैं ना, तो बोलते हैं द बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट, बॉल जो है बैट पे आ रही है आसान से, मतलब थोड़ा सा बाउंस है, बॉल बैट पे ठीक से आ रही है, तो वहां पे अक्सर देखा होगा अपने कमेंट्री में बोलते हैं द बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट, बॉल जो है बैट पे आ रही है ठीक से, तो वहां पे ऑन टू यूज करते हैं, क्योंकि एक मूवमेंट हरकत हो रही है वहां पे, तो ऑन टू यूज करते हैं। नेक्स्ट है द बॉल कमिंग ऑन टू द बैट, मैंने लिखा भी है बॉल बैट पर आ रही है। अपॉन मैंने बताया ऑन टू की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही जंप अपॉन द टेबल, पर टेबल पर कूद गया। अब फ्रेंड जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि वह नदी में कूद गया, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर होगा या ऑन टू द रिवर होगा, दिमाग लगाएं थोड़ा अपना, क्या होगा, ऑफ कोर्स इनटू होगा, क्योंकि एक इनसाइड अंदर जाने की बात हो रही है, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। तो इस तरीके से आप इनटू और ऑन टू और अपॉन बिल्कुल क्लियरली यूज कर सकते हैं, और आपको पता है प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी रिटन एग्जाम्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स आगे हम लोग और भी प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।